पीगन हरण मंगलीकरण त्रिगणपति महाराज आज सभा के बीच में रखो हमारी ला। अरे श्री गणेश को सुमिरन करके करूं शारदा माँ को ध्यान मात सरस्वती कंठ विराजो चुर संगीत कराई दे ज्ञाने अरे फिर हम सुमिरे बुरी अपने को भारत जी को शीश नवाई कृपा दृष्टि रखियो बेटा पे नव का समुद्र दय तेरकाई रंगी हरि के संगी सदा रहे रघुपति के दासी को दे दर्शा अरे विवाह सुनाओ करण वीर को सभी देवता करो सुमेरनिया के चर्चा दे पातक विजय नरेशन क्यारी हाँ दोस्तों आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु भारत देश पर पवित्र भूमि पर पवित्र करने वाली हमारी मातृशक्ति हम उम्र साथी हमारे बुजुर्ग पिता के योग्य परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री भारत शास्त्री जी की असीम अनुकंपा से अंगराज करण का विवाह किस तरीका से हुआ। पश्चिम दिशा की ओर एक राजा रहते थे जिनका नाम था महाराज चित्रव्रत। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है असावरी। परिवारी
सावरी है बेटिया को भैया सुनियो चित्ता लगा। घर में एक बेटी है जिसका नाम है असावरी। धीरे धीरे असावरी जवान अवस्था में प्रवेश करती है। अरे सो भाई सानी चली जवानी सखिया न पानी दई समारी। अरे गोरी गोरी बहिया नरम कलैया जंगा सिंगावर छोरी भाई जानी गई बदन पे छान। अरे सुनी वीरता अंगराज की मने मन में करत थी प्यार। महाराज अंगराज करण से प्यार करती है लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अंगराज करण भी कुंती का पुत्र है, बल्कि वो सूत का पुत्र समझती है जो अदरत का और राधा का कहा जाता है। लेकिन अरे करण पीर पहला बेटिया दिल में गयो समाई। लेकिन दिल में एक बहुत बड़ी चिंता रहती है कि अंगराज सूत का पुत्र है जो अदरत का और राधा का कहा जाता है, वो नीची जात का है, हमारे पिताजी कभी भी अंगराज के साथ में शादी नहीं करेंगे। लेकिन अरे प्यार करत थी करण सेर से दिल में एक आवे रे एक जावे कैसे ब्याह बाबुल करी देंगे के करण चक रहो सुहाई।
अरे भाजी मेहरिया नहीं रुकी बेकी, अरे सुनी लल्ला खो करो उपाई। एक कैसे प्याओ विपत्ति संग में, अरे बेटी दिल में गई हमारा, कैसे मिले हम से भैया। एक समय की बात पिता बेटी को समझावे, बबुला बेटी को समझावे। एक समय की बात है, महारानी असावरी से चित्रव्रत महाराज ने कहा है, बेटी वो करण सूत का पुत्र है, हम उसके साथ में शादी नहीं कर सकते हैं। आप एक काम करो, किसी छत्री के साथ में आप शादी कर लीजिए, मैं आपका स्वयंवर करा दूंगा। लड़की से पिता ने कहा है, बेटी अरे हाथ पकड़ के बेटी से बबुला ने कई समझाई। छत्री के साथ में शादी कर लें, मैं उसके साथ में तुम्हें हमारा स्वयंवर करा दूंगा, लेकिन वो हमारी बराबरी का नहीं है। बेटी के दिमाग में देखो, पहले तो करण से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब करण की तरफ से अपने पैरों को मोड़ रही है, क्योंकि अब करण को धोखा देने की सोच रही है। पिता ने अपनी बेटी से कहा है, बेटी सुनो, अरे देश देश के राजा आवे, अरे एक से एक बड़े सरदार, चौड़ी छाती बबर शेर की करिया सिंह
लगाया है, लेकिन उस स्वयंवर में सावरी माला लेकर के स्वयंवर में घूम रही है, लेकिन भैया जब सावरी माला लेकर के घूम रही है, दासी जो सावरी की दासी है जिसका नाम है पद्मावती, पद्मावती ने अंगराज के पास में खबर भेज दी कि तुम्हारी प्राण प्रिया आज किसी दूसरे के साथ में शादी करने के लिए जा रही है। तो महाराज करण ने प्रस्थान किया है कहां के लिए? राज्यसभा स्वयंवर के लिए। जस्ती शादी करके ले जाएगा। महाराज कोई कोई राजा जो समझदार थे वो सभा को छोड़ करके चले गए, लेकिन जो अन्य राजा वहां पर बैठे हैं, अंगराज करण ने क्या किया? परशुराम को सुमिरन करके धनुष पे
अरे भारत जावे सबरे योधा, अरे भारत जाता खेत खलियान, अरे करी मित्रता कछोरा जनने, अरे तो समसूर न जग दरम्यानी, छुयो पचारी असावरी की आंखों से असुहारा बहने लगी। अंगराज असावरी के पास में पहुंचा है, असावरी माला डालो। तो असावरी कहने लगी, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए तुमसे शादी कर रही हूं, लेकिन वास्तविक मुझे तुमसे डर लग रहा है। तो अंगराज कहने लगा, सावरी मैं किसी की आत्मा को कभी कष्ट देना नहीं चाहता। अरे अरे जान से मारो जो राजन को, तो छत्री पन जाएगो नसाई, अरे बाण के द्वारा करण वीर ने सब राजन को लयो रे बधवाई। अंगराज करण बोला है, पद्मावती पास में खड़ी है, असावरी से कहा है, महारानी माला तो बाद में गले में पड़ेगी, पहले आप ये बताइए कि आप इतना डर मुझसे डर क्यों रही हो। तो असावरी कहने लगी, महाराज सुनो, अरे पहले प्यार करो तुमसे, अब तुमसे डर मोई लागे भारी, अरे जान बचावन बाबुल की मैं आज बनूंगी तुम्हारी नारी। छेड़ो बिहारी, बेटे भैया भाई समय के बीच ललानी बात बताई है, सुनील भाई समय के बीच ललानी बात बताई, महाराज जब असावरी ने सारी बात बताई तो जवाब दिया, मैं किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाने के बाद तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और वहीं पास में असावरी की दासी खड़ी है जिसका नाम है पद्मावती,
पद्मावती से कहा तुम भी एक सूत कन्या हो, हाँ तो आप मेरे साथ में शादी करें। अरे पद्मावती के पास करणी तब दासी ते कई सोना, अरे ले पद्मावती तुम ये माला हमको ले सब भीरम मिटा, चली दो सूत कुमार, अरे भारी डिडका रही सावरी रोई कहाँ जाय रहे ओ भरतारी, महाराज सावरी ने बार बार कहा मेरे साथ में शादी कर लो, लेकिन अंगराज कर्ण ने पद्मावती के साथ में शादी की। पहला विवाह पद्मावती के साथ में हुआ, दूसरा विवाह छत्राणी वैशाली के साथ में हुआ, तीसरा विवाह सुप्रिया के साथ में कैसे हुआ इंतजार कीजिएगा वॉल्यूम नंबर 2 का स्टार कैसेट के माध्यम से। अरे भारत शास्त्री गुरु हमारे पी के शास्त्री हमारो नाम, अरे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में भैया मेरो दादा गाम, अरे राहुल यादव एटा वाले सुंदर चिमटा रे बजाई, अरे स्टार कैसेट के माध्यम से गाथा हमारा विशेषकर सहयोग कर रहे हैं माननीय श्री रजनीश शास्त्री जी और माधव शास्त्री जी सिकंदरा राव वाले। मौका लगे ना परम्बा,
छोटी गलती जो है जावे